सबसे पहले हम नोड जेएस डाउनलोड करना है, तो मैं लिख देता हूँ नोड जेएस डाउनलोड, देखता हूँ गूगल मदद करेगा, आ गया nodejs.org, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करेंगे। विंडोज इंस्टॉलर है, मैक इंस्टॉलर है, सोर्स कोड है, जहाँ जो चाहिए वो इंस्टॉल कर लीजिए। हमें विंडोज इंस्टॉलर से मतलब है, हमने क्लिक किया, ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक डाउनलोड कर देगा। मैं अब ये डाउनलोडिंग ना मैं पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। डाउनलोड करके रखा हुआ है, डाउनलोड्स में यही वाला इंस्टॉलर ये पड़ा हुआ है, वर्जन 14.17। इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक इंस्टॉलेशन पूरा देख लेंगे, कोई स्टेप नहीं मिस करेंगे। डाउनलोडिंग इसलिए पॉज कर दिया क्योंकि क्लिक कर चुका हूँ, वो डाउनलोड हो जाएगा। रन करना है हमें, रन कर दिया हमने। नेक्स्ट, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, कुछ भी चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना है इंस्टॉल, जो भी इसके इंस्टॉलेशन में टाइम लगे। साथ में हमको वीएस कोड की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक मैंने डाउनलोड किया है कि नहीं, वीएस कोड नहीं डाउनलोड किया है। वीएस कोड है जिस पे हम काम करेंगे, जो हमारा एडिटर है। डाउनलोड कर लेते हैं स्टूडियो कोड। डाउनलोड कर लिया, मम्मी का है। डाउनलोड हो जाने देते हैं इसको, जैसा इंस्टॉलेशन चल रहा है हमारे पास। बाकी अगर जब जब भी ब्रेक होगी तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, जब भी ब्रेक हो, जब तक कि कहना दो कि आप ओवर हो गई है। चलिए अब जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है देखते हैं इसको क्या है। यस, मतलब जो भी पूछेगा, जैसे विंडोज में कोई भी सेटअप इंस्टॉल करते हैं सिंपल सा ना, बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉलेशन होगा। अब ये जैसे ही आप ये नोड इंस्टॉल कर लेंगे, अब आप एक्सेस कर सकते हैं नोड की कमांड्स और npm की कमांड। npm क्या है? npm नोड पैकेज मैनेजर है, वही आपकी मदद करेगा सारी चीजों को इंस्टॉल करने में, स्क्रिप्ट रन करने में और चलाने में। अब पैकेज क्या है, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, लेकिन मिक्स गैदरिंग है इसलिए छोटी छोटी सी चीजें भी बताता चलूंगा कि npm क्या है। नोड पैकेज मैनेजर, जो सारे नोड के जितने भी पैकेजेस हैं उनको मैनेज करेगा। तो ये पैकेजेस कहने से मेरा मतलब क्या है, कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये पैकेज क्या है, ठीक। तो पैकेज का ये मतलब है कि जैसे कि आपको कोई भी काम करना है, सपोज दैट किसी चीज को आपको इनक्रिप्ट करना है, पासवर्ड आ रहा है आपके पास, उसको आपको इनक्रिप्ट करना है। अब पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, आपको एक पूरा कोड लिखना पड़ता कि भाई कोई भी पासवर्ड आएगा तो उसको इनक्रिप्ट कर दो, और ऐसा इनक्रिप्ट करना है कि वापस तो डिक्रिप्ट ना हो। अभी ये नहीं कि मैंने हैश करके रख दिया और वापस से किसी ने उसको चेक कर लिया, वापस से रिकन्वर्ट करके चेक कर लिया, या मैंने कोई कोड लगाया और कन्वर्ट कर दिया, भाई कुछ भी चेंजेस कर दिए, ए को बी बना दिया, बी को सी बना दिया, तो वापस डिकोड करके कोई पढ़ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जब पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रखते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि वापस से उसको कन्वर्ट करके और पढ़ पाए, ठीक। तो अब ऐसे इनक्रिप्शन को लगाने के लिए आपको एक अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता, आपके पास जो पासवर्ड आता आप उसको कन्वर्ट करते और ले जाकर के डेटाबेस में स्टोर करते। अगली बार जब यूजर लॉग इन करता और सेम पासवर्ड भेजता, अब आपको कोई एक ऐसी टेक्निक बनाना पड़ता जिस टेक्निक से आप कंपेयर कर पाए कि ये जो पासवर्ड यूजर ने भेजा है ये, और जो हमारे डेटाबेस में इनक्रिप्टेड पासवर्ड पड़ा हुआ है, अब वो ये पासवर्ड तो है नहीं, वो दोनों सेम है। तो ये एक फंक्शनैलिटी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती लिखने के लिए, ठीक। लेकिन नोड जेएस ने क्या किया, एक हमको बहुत से तरीके हो सकते हैं किसी भी काम के, एक का नाम ले रहा हूँ बिक्रिप्ट करके एक पैकेज दे दिया। पैकेज का मतलब कि बिक्रिप्ट के अंदर जिसने भी काम किया उसने ये सारी फंक्शनैलिटी लिख दी,
कन्वर्ट इनक्रिप्ट करने की, कंपेयर करने की सारी फंक्शनैलिटी लिख दी। अब हमें क्या आसानी है, हमको सिर्फ इस फाइल को इम्पोर्ट करना है अपने कोड में, नोड जेएस में इम्पोर्ट करने के लिए, जब तक कि आप टाइप स्क्रिप्ट तक नहीं पहुंचते तब तक हम रिक्वायर लिखते हैं, रिक्वायर यूज करके इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, उठा के अपने कोड में ले आएंगे। ये मेरा यहाँ कोड है, पैकेज कहीं क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ठीक, जहाँ पे सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं नोड के, वहां से उठा लाते हैं अपने कोड में और डायरेक्ट इसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना शुरू करते हैं। इसने मेथड बनाया होगा, कोई एक मेथड होगा जो इनक्रिप्ट करेगा, दूसरा मेथड होगा जो वेरीफाई करेगा कि इक्वल है कि नहीं। तो हम इसके मेथड्स यूज कर करके इस बनी हुई क्लास के, इस बने हुए मॉड्यूल के, बने हुए पैकेज के मेथड्स यूज करके अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही हजारों मेथड्स है, हजारों पैकेजेस हैं जो हमें बने हुए मिलेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा काम बहुत आसान होगा। तो अब मसला ये है कि जब ये पैकेजेस आएंगे तो ये बात कौन याद रखेगा कि भाई हमने कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए हैं, तो एक होना चाहिए ना। हम कॉपी पेन लेके तो नहीं लिख सकते कि हमने बिक्रिप्ट यूज किया है, हमने एक्सप्रेस यूज किया है, जो भी पैकेजेस यूज किए हैं, क्योंकि चलिए मैंने डेवलपमेंट शुरू किया, मैं वो पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, जब मैं किसी को दूंगा नोट की फाइल तो मैं उन पैकेजेस के इंस्टॉलेशन सारा नहीं उठा करके दूंगा। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट है पैकेजेस का, वो जो देखता है वही NPM है, नोट पैकेज मैनेजर, उठा करके लाना, आपके पास रखना, कोई एक एंट्री आपके पास बना देना ऐसी कि भाई जहां सारी डिटेल आपको मिल जाए। अब देखते चलते हैं इसको कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक। इसको फिनिश करते हैं, नोट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, VS कोड डाउनलोड हो चुका है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, किसके बगैर हमारा कुछ काम होगा नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, साथ में देख लेते हैं, नोड इंस्टॉल हो गया है, वेलकम टू नोड जेएस वर्जन 14.17.0, यही था जो हमने इंस्टॉल किया था, ठीक। अब ये जो हमने नोड लिखा है, ठीक, ये इसने ये क्या खोल के दिया, एनवायरमेंट जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए ये नहीं जरूरी है, लेकिन अगर जो भी लोग आप में से ऐसे हैं जिनको आगे इंटरव्यू देना है उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर पूछते हैं कि REPL क्या होता है, ठीक। तो REPL क्या होता है, R जो है यह है रीड, क्या रीड है देखते हैं कि क्या रीड है और कैसे रीड करता है। अगर मैं यहां लिखूं लेट x इज इक्वल टू 3 और एंटर मार देता, तो ये x में 3 को रीड कर लिया, इसने करा या नहीं करा, x लिख के एंटर मारा, 3 आ गया मेरे पास, यानी कि इसने रीड किया। तो ये जो एनवायरमेंट खुल के आया है नोड लिखने पे, ठीक, यही REPL है। इस्तेमाल क्या होता है, नोड के सिंटेक्स चेक करने के लिए, अगर कोई सिंगल लाइन है और आपको चेक करना है वो आप यहाँ पे रन करके चेक कर सकते हैं। तो रीड करा इसने, एग्जीक्यूट भी करता है ये, मैं एक और लिख लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू x plus 2, देखते हैं क्या किया इसने, y is equal to 5। तो यहाँ पे हम execution भी कर सकते हैं, read भी कर सकते हैं, और ये हमारे सामने printing भी कर रहा है। तो evaluate भी कर रहा है, calculate कर रहा है, evaluate कर रहा है, तो read, evaluate, print भी कर रहा है, और loop मतलब ये process चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। कब तक नहीं रुकेगी, जब तक कि फोर्सफुली आप इसको क्विट नहीं करते हैं। मैं कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, एक बार दो बार, अब ये इसके बाहर ले आया और अब दबाऊंगा इसने बाहर कर दिया मुझे। तो कंट्रोल सी है, कंट्रोल डी है, या डॉट एग्जिट टाइप करके आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये जो एनवायरमेंट दिखाता यही REPL है, यहाँ से आप नोट का वर्जन जान सकते हैं। इंटरव्यू में नोट का वर्जन भी पूछता है कि आप लेटेस्ट किस वर्जन पे काम कर रहे थे। उसके अलावा NPM है हमारे पास, नोड पैकेज मैनेजर, जो कि हम यूज करेंगे हर काम के लिए, मतलब सबसे पहली बार जब इनिशियलाइज करना है ना, उस टाइम पे भी हम इसी को यूज करेंगे, NPM को यूज करेंगे, ठीक। कह रहा है मतलब इसके आगे हमने कोई कमांड नहीं लिखी प्रॉपरली, तो उसने कहा कि भाई हेल्प यूज कर लो, हेल्प यूज करके आप किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पर किसी भी कमांड के बारे में। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको यूज करना है। ये इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं।
पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड है या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, इनपे यह है कि इनपे प्लगइन्स बहुत ज्यादा है इनके, तो धीरे धीरे करके जब हम यूज करना शुरू करेंगे अभी तो हमको प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मुझे भी नहीं याद है, धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाता है, या इंटरनेट से मिल जाते हैं या सजेशन से मिल जाते हैं, वो प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे हमारा काम बेहतर हो जाता है। यहां से लॉन्च कर लेते हैं इसको, यानी कि हमने Node.js का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करना है, अब सब कुछ मिनिमाइज कर रहा हूं, चलते हैं कहीं फोल्डर में, डी ड्राइव में ही चल लेते हैं, यहाँ एक ई ड्राइव में चल लेते हैं, या एक फोल्डर बना लेते हैं Node.js नाम से। इसी फोल्डर के अंदर हम अपनी वर्कशॉप का आज जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो बना लेते हैं और बना करके देखते हैं। वर्कशॉप वन कर देते हैं। अब एक चीज, या तो आप यहां से कमांड प्रॉम्प्ट से जाइए, सॉरी ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में जाने के बाद आप अपने फोल्डर तक जाइए जैसे जाया जाता है एक एक डायरेक्टरी चेंज करके, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सीएमडी लिख के एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको ये सीधे उसी पाथ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल करके दे देगा। अब अगला काम क्या करना है, इस फोल्डर को अपने इस एडिटर में खोल लेना है। ठीक, अब ये पहली बार है तो ये बाकी सारी चीजें जो जो बोलेगा देख लेते क्या करना है। बंद कर देते हैं इसको, फाइल पे जाइए, इसमें आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, चलते हैं। ई ड्राइव में फोल्डर बनाया है हमने, ई ड्राइव में Node.js के अंदर वर्कशॉप वन, यही फोल्डर है जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे, अभी हमने इसको ओपन कर लिया है। अभी कोई फाइल हमारे पास नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पैकेज मैनेजर से कहेंगे कि भैया एक बार इसमें इनिशियलाइज करो, प्रोजेक्ट को हमारे इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज करो का मतलब इनिशियल स्टेट वो तैयार कर देगा कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, प्रोजेक्ट जो npm नोड पैकेज मैनेजर है वो एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रखता है जो हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन, स्क्रिप्ट, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज मतलब जो ये पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए आपने बिक्रिप्ट इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट में, तो बिक्रिप्ट पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है भाई, अगर बिक्रिप्ट अभी बंद हो जाए, हटा दिया जाए उसको कि नहीं भाई मालवेयर था कुछ भी इशू था हटा रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा क्योंकि इंटरनली वो बिक्रिप्ट को यूज कर रहा है, तो उन्हीं को डिपेंडेंसीज बोलते हैं। तो जो भी आपके डिपेंडेंसीज हैं उनको मैनेज करता है, कुछ चीजें आप सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं उन पे डिपेंड करता है, तो इन सारी चीजों को वो मैनेज करके रखता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि भैया ठीक है npm init कर दो, इनिशियलाइज कर दो, ठीक, और आपने एंटर प्रेस किया। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, पूछ रहा है पैकेज का नाम क्या होगा, मैंने कहा जो लिखा है ये फोल्डर का नाम है यही रहेगा, वर्जन क्या है, पहली बार बना रहा हूं, अगली बार जब आप अपनी चीज को अपग्रेड करते हैं कोई चेंजेस लाते हैं तो आप 1.1.0.1 करेंगे, पैचेज या जो भी डेव वर्जन है उसके हिसाब से चेंज किया जाता है इनको। डिस्क्रिप्शन में कह रहा है कुछ लिखना है पैकेज के बारे में, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये एंट्री पॉइंट है, इसने कहा index.js, मैंने कहा नहीं एंट्री पॉइंट जो है मैं उसका नाम बदल दूंगा, मैंने कहा मैं app.js रखना चाहता हूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ या डिफॉल्ट भी छोड़ सकता हूँ, आपके ऊपर है। टेस्ट कमांड वो कमांड्स होती हैं जब हम अपनी चीजें बना के तैयार करते हैं तो हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट रनर यूज करते हैं, assertion library यूज कर सकते हैं, ये बात की चीजें हैं, बट वो कमांड यहाँ पे आती है तो उसके लिए स्क्रिप्ट ऐड होती है यहाँ पे। गिट रिपोजिटरी, क्या आपका ये प्रोजेक्ट आप किसी गिट के साथ कन्फिगर कर रहे हैं, नहीं करना मुझे, वो बाद में करके देखेंगे। कीवर्ड्स कुछ ऐड करने हैं, नहीं करना। ऑथर कौन है, अगर नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं। लाइसेंस है कुछ, है तो नहीं है तो, ये देखिए इसने एक हमें ये बना करके दे दिया, आपके पैकेज का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन,
एंट्री पॉइंट, ये रहा मेन जो है एंट्री पॉइंट। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में अभी ये टेस्ट स्क्रिप्ट है एक, अभी कुछ है नहीं इसमें, हम और भी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ऑथर कौन है, कोई नहीं है। लाइसेंस कुछ नहीं, स्टैंडर्ड लाइसेंस जो भी होगा। पूछ रहा है ओके कुछ चेंज नहीं करना, मैंने कहा यस। ठीक, अब देखिए क्या किया इसने, एक यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन नाम से फाइल बनाया और उसमें ये सारी चीजें रख दिया। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल यही जिम्मेदार होती है आपके पैकेजेस के एंट्री के लिए, और मतलब आपके प्रोजेक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन, आपका ये पैकेज है उसकी एंट्री, आपकी डिपेंडेंसी, सारी चीजों के लिए। और जब भी हम इन फ्यूचर अपना कोड आपको भी देंगे तो हम उसमें इंस्टॉल्ड पैकेजेस नहीं देंगे, सिर्फ ये फाइल होगी साथ में। और देखिएगा अभी कि कैसे यही फाइल बता देगी कि क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चीज। अब एप डॉट जेएस लिख रखा है तो वो एप डॉट जेएस बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ पे एक एप डॉट जेएस फाइल बना दीजिए, बन गई। अब जो आर्किटेक्चर हम चूज कर रहे हैं, नोड जेएस में आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, REST APIs भी लिख सकते हैं, स्क्रैप करने के लिए भी टूल्स बना सकते हैं, वेब से अगर आप कुछ स्क्रैप करके निकालना है कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो हम आर्किटेक्चर जिस पे हम काम करेंगे, जो हम देखेंगे, वो REST API का आर्किटेक्चर होगा। ठीक, तो उसके हिसाब से हम काम करना शुरू करेंगे, हम वेब के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम कोई UI नहीं बनाएंगे। ठीक, तो एक चीज और कि बीच में REST API के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, डाउनलोडिंग में अभी से लगा देता हूँ उसकी। ठीक, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे कि क्या चीज है वो, वो है पोस्टमैन। डाउनलोड कर लेता हूं, पोस्टमैन डाउनलोड कर लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों पड़ेगी वो अभी देखेंगे। चलिए, तो यहां तक का तो काम हो गया है, अब समझते हैं। जब हमें REST API का आर्किटेक्चर चाहिए तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि नोड जो है हमारा, नोड जो है हमारा, ये क्या करेगा, ये हमारे लिए सर्वर चलाएगा। भाई क्लाइंट हमारा कौन है, कोई आदमी, कोई इंसान, कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर जो किसी ब्राउजर से हमें हिट करेगा, किसी ब्राउजर से हमें हिट करेगा। ठीक, कैसे हिट करते हैं, गए यहां पे, हमने लिखा, मान लेते स्टैक ओवरफ्लो ही लिखा, stackoverflow.com। इस टाइम पे ये मेरा ब्राउजर जो है ना, ये क्लाइंट है, ये stackoverflow.com को हिट करने जा रहा है, तो उसके सर्वर को हिट करेगा। वहां सर्वर पे कुछ कोड चल रहे होंगे, वहां सर्वर पे कुछ कोड चल रहा होगा, उसके बेस पे ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्या रिस्पांस करना है, और इसने मुझे एक पेज ओपन करके दे दिया। ठीक, तो अब क्या हुआ कि ये क्लाइंट था, क्लाइंट ने हिट करा, तो जो ये क्लाइंट की तरफ से हिट के लिए आ रहा है ये एरो ना, इसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्लाइंट की तरफ से जो भी चीज आती है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना डेटा भेजते हैं, चाहे फेसबुक पे लॉगिन करते वक्त आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हैं, यही रिक्वेस्ट है। तो एक कोई सर्वर चल रहा होगा ना, एक कोई सर्वर चल रहा होगा, रन कर रहा होगा, ये हमारा नोड, यही सर्वर है जो रन कर रहा होगा, ये इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, देखता है कि इसको क्या करना है, और करने के बाद उस रिक्वेस्ट के हिसाब से, भाई आपने अगर लॉगिन किया है फेसबुक पे, यूजर नेम और पासवर्ड गलत था, तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, अगर सही है तो वो आपको उसके बेस पे रिडायरेक्ट करता है एक होम पेज की तरफ। तो ये जो वापस आता है सर्वर से, यही रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स। अब अगर गलत यूजर नेम और पासवर्ड था तो यही रिस्पॉन्स आपको एरर देगा कि यूजर नेम या पासवर्ड गलत था, या ऑथराइजेशन नहीं थी आपके पास, एक्सेस की परमिशन नहीं थी।
अगर सही है तो यही रिस्पॉन्स वो रिडायरेक्शन लेकर के आता है और आपको रिडायरेक्ट करके होम पेज पे पहुंचा देता है। ठीक, तो यानी कि सबसे पहली जो चीज ये क्लाइंट के लिए, तो मेरे पास ये ब्राउजर है जहां से मैं अपने सर्वर को हिट कर लूंगा, सबसे पहली चीज जो मुझे बनानी है वो मुझे ये मेरा सर्वर चलाना है नोड का। पहला काम हम कर चुके हैं, नोड का इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा काम कि अब हमें ये सर्वर बनाना है, तो अभी नोड में जिस चीज का यूज करके हम सर्वर बनाएंगे वो नोड का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस। जब भी आप सुनते होंगे मीन स्टैक डेवलपर, मर्न स्टैक डेवलपर, तो ई से एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस यूज करके नोड पे रेस्ट एपीआई का आर्किटेक्चर बनाना बहुत आसान काम है। सर्वर बनाते वक्त हम देख लेंगे कि सर्वर कॉन्फ़िगर करना हमारे लिए कितना आसान है, पोर्ट चेंज करना है, कुछ भी करना होगा कितना आसान है, 3 लाइन में आपका, 4 लाइन में आपका सर्वर चलने लगेगा एक्सप्रेस यूज करके। यही काम अगर आप एक्सप्रेस नहीं यूज करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो हम चलते हैं। बिना एक्सप्रेस यूज किए करना है आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, वो आपकी प्रैक्टिस है, बट हम एक्सप्रेस यूज करके ही देखेंगे और ऐसे ही काम भी होता है। चलिए चलते हैं वापस यहाँ पे और देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें एक्सप्रेस यूज करना है, जैसे हमने अभी आपको बिक्रिप्ट के बारे में बताया था, तो एक्सप्रेस एक पैकेज है, बना हुआ रखा है, नोड पैकेज मैनेजर जानता है, तो नोड पैकेज मैनेजर से मैं कहूंगा कि भैया उसको इंस्टॉल कर दो। जब हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी, कोई भी चीज यूज करनी है, पहले आप अपने पास उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको इंपोर्ट करके यूज करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए चलते हैं, यही जगह है, यही फोल्डर है वर्कशॉप वन, यहीं पे इंस्टॉल करना है। तो मैंने लिखा npm इंस्टॉल और सेव करके रखना है, ये पैटर्न नहीं बदलेगा, डैश डैश सेव और पैकेज का नाम एक्सप्रेस, इंटर। अब ये क्या करेगा, ये क्लाउड से उठाएगा और यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाएगा जो ये लेकर के आ रहा है, और उस फोल्डर में एक्सप्रेस को भी रखेगा। देखिए एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन गया, नोड मॉड्यूल्स। अब इसके अंदर ये बढ़ते चले जाएंगे और सोचिए कि अभी आपने एक एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था तो ये इतनी चीजें इसने इंस्टॉल करी है। क्यों इंस्टॉल करी है, 50 पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए, 37 कंट्रीब्यूटर्स, 50 पैक ऑडिटेड इन्फो, 50 पैकेजेस, ये सब क्या है, इतना ज्यादा क्यों? इसलिए क्योंकि एक्सप्रेस आपके लिए बहुत से काम करेगा जो आप मैनुअली करते। एक्सप्रेस आपके लिए बहुत से काम करेगा जो आप मैनुअली करते। बॉडी पार्सिंग क्या होती है, अभी आएंगे उस पर, वो काम आप अलग से करते, एक्सप्रेस आपके लिए वो भी काम करेगा। राउट करना था, वो काम आप अलग से करते, एक्सप्रेस आपके लिए खुद राउट करेगा, अपना राउटर बना के देगा। तो जो ये सारे काम आपके लिए करेगा, तो अंदर से ये एक्सप्रेस भी तो दूसरे पैकेजेस को यूज कर रहा होगा। आपके लिए एक रैपर, एक पैटर्न बना दिया इसने, बट अंदर से ये खुद भी अलग अलग पैकेजेस को, अपना भी कोड है इसके पास और ये दूसरे पैकेजेस को भी यूज कर रहा है। तो npm को हमने नोड पैकेज मैनेजर इसीलिए है क्योंकि आपने कहा कि भैया एक्सप्रेस इंस्टॉल कर दो, तो उसने एक्सप्रेस भी इंस्टॉल किया और अंदर से एक्सप्रेस जिन पैकेजेस को यूज कर रहा था, जैसे आप अभी अपने कोड में एक्सप्रेस यूज करेंगे, वैसे एक्सप्रेस का जो कोड है उसके अंदर और भी पैकेजेस है। तो एक्सप्रेस जिन पैकेजेस को यूज कर रहा था npm ने, वो भी सारे पैकेज आपके पास इंस्टॉल कर दिए ताकि आपको काम करते वक्त दिक्कत ना हो, इसीलिए वो मैनेजर है। चलिए, तो अब ये देख रहे होंगे नोड मॉड्यूल से एक फोल्डर बन गया है और पैकेज डॉट जेसन में चलते हैं। ये देखिए डिपेंडेंसी के अंदर एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है इस वर्जन के साथ, तो यानी ये डिपेंडेंसी, ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसके अंदर एंट्री होती जाएगी कि आपने और कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए। तभी आपको ये नोड मॉड्यूल, ना ही आप कहीं कमिट करते हैं, ना ही जब हम अपना प्रोजेक्ट लाइव करेंगे तो इसको ले जाएंगे, और ना ही जब ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उसमें ये नोड मॉड्यूल होगा। ठीक, क्योंकि ये फाइल है तो इसको सारी चीजें पता है। चलिए अब हम आते हैं सर्वर बनाने के लिए, देखते हैं क्या क्या करना है। पहली चीज, हाँ दो बातें, अगर आपको बिल्कुल जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, आपने MDN कभी टच ही नहीं करा है, कोई बात नहीं, अब तो आ गए हैं, देखिए
समझिए, इसके बाद जा करके एमडीएन पढ़ना शुरू कीजिएगा। बिना एमडीएन के ये सारी चीजें, एमडीएन मतलब मोज़िला डेवलपर नेटवर्क पे जावास्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा एक बार। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया है, आप उसका सिंटेक्स समझते हैं, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं समझते हैं तो इसको छोड़ के मत भागें, जाके इसके बाद वर्कशॉप के बाद आज उठा करके और जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, एक बार देख भी लेंगे तो आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें फिर और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब क्या करना है, तो const ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका है, लेट और const लिखते हैं। मैंने कहा एक्सप्रेस वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखेंगे ताकि कभी दिक्कत ना हो। और इंपोर्ट करने के लिए क्या यूज करना था, रिक्वायर यूज करना था। और कौन सा पैकेज आपको इंपोर्ट करना था, अभी एक्सप्रेस इंपोर्ट करना था। तो ये लाइन ये कह रही है कि ये एक्सप्रेस, अब क्लाउड से तो ये इंपोर्ट कर नहीं लेता, तो क्लाउड से हमने अपने पास नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल कर लिया है, npm ने हमारे पास इंस्टॉल कर दिया है, तो हमारे पास है एक्सप्रेस। हमने कहा भैया एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट करने के लिए यही तरीका है हमारे पास। ठीक, इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट के लिए रिक्वायर ही लिखते हैं। तो इसने कहा रिक्वायर एक्सप्रेस, यानी ये एक्सप्रेस को लेके आ गया मेरे पास मेरे एप्लीकेशन में, और उसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया, जिस वेरिएबल का नाम ही मैंने एक्सप्रेस रख दिया ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जब ये एक्सप्रेस आ गया है, तब इस एक्सप्रेस को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। अगर कोई क्लास है, कोई फंक्शन है, यूज करना है, तो उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने के बाद फिर किसी एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगर किसी क्लास का, तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में रखते हैं यूज करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक ऐप बना दो और इस ऐप के अंदर इस एक्सप्रेस को रख दो। यानी ये ऐप क्या है, ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन है, पूरी की पूरी एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन है। और अब ऐप के अंदर एक मेथड होता है लिसन, ठीक, जो कि आपके सर्वर को रनिंग मोड में, एग्जीक्यूटिंग मोड में ले आता है। और यहाँ पे आपको पास करना होता है पोर्ट, किस पोर्ट पे आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो या रन करे। क्योंकि अभी जब हम इसको चलाएंगे तो ये चलेगा हमारे लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट एक ही होस्ट है जिस पर सारी चीजें चल रही हैं, तो आपको स्पेशली ये पोर्ट बताना पड़ेगा कि भैया किस पोर्ट पे रन करना है। ठीक, तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन कितनी आसान है, आपको कोई फाइल नहीं खोलना, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर नहीं जाना, कहीं जाके आपको ढूंढ के पोर्ट नहीं चेंज करना है। अभी 3000 पे चला रहे हैं, कल को 4000 पे चलाना होगा, यहीं से ये 4000 पर भी चल जाएगा। तो ये इतना सा काम करा हमने, देखते हैं कि सही चल रहा है गलत चल रहा है, हो सकता है चीजें ना चले, आपके सामने डिबग करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट हमने बंद कर दिया है, टर्मिनल वहां से भी कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो सकता है, चलते वहीं से कर लेते हैं। ये वर्कशॉप है, यहाँ से एमडी लिखा, ये अंदर आ गए वापस से अपने फोल्डर के अंदर। अब सर्वर बना लिया है हमने, चला करके देखना है हमें। हमने कहा ठीक है, नोड और फाइल का नाम बाद में npm से कैसे चलाना है ये भी बताऊंगा। अभी नोड कमांड, नोड सर्वर चल रहा है, नोड से आप किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को चला के देख सकते हैं। तो नोड app.js जैसे ही लिखेंगे फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, एरर होगा तो एरर लिख के आएगा, नहीं होगा एरर तो चलना शुरू करेगा। एंटर प्रेस कर दिया है, चलते हैं गूगल क्रोम पे, लोकल होस्ट हमारे सिस्टम पर ही चल रहा है, और पोर्ट हमने दिया था 3000, चला लेते हैं, देखते क्या होता है, कुछ तो होगा या कुछ नहीं होगा। साइट कैन नॉट बी रीच, किसी वजह से हो सकता है वो कमांड प्रॉम्प्ट हैंग हो गया, अलाउ कर देते हैं। ठीक, कभी भी बग आए, एरर आए, कोई चीज ना चले, तो अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में है तो सबसे जरूरी चीज है आपका पेशेंस, परेशान नहीं होना है। आपसे पहले भी लोगों के पास वो बग या वो प्रॉब्लम आई होगी, और सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और नहीं मिलते हैं तो आपका यही काम है। बाकी चीजें तो लिखी हुई है जो हम कर रहे हैं, आपका काम यही है, एक नई परेशानी आए तो आप उसको सुकून से सॉल्व करें।
चलते हैं वापस यहाँ पे। इस बार क्या हुआ, वो जो एरर आ रही थी पेज नहीं मिल रहा था वो चला गया है, और यहाँ पे हमें एक मैसेज मिला है कैन नॉट गेट, और ये रूट बोलते हैं इसको, स्लैश जो कि लगाते नहीं है पर ये यहाँ लगा होता है ऐसे, ठीक। ये बोल रहा है कि ये जगह नहीं मिल रही है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने नोड का इंस्टॉलेशन किया है, एक पैकेज इंस्टॉल किया है, समझा है कि पैकेज क्या होता है, एक्सप्रेस समझा है कि एक्सप्रेस पे ही हम पूरी अपनी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, इसी एक्सप्रेस पे ये जो ऐप बन गई है सारा काम इसी के ऊपर करेंगे हम, यानी कि पूरा जो REST API का आर्किटेक्चर है वो ऐप में है, एक्सप्रेस के अंदर है। नोड क्या है, नोड वो सर्वर है जिसपे हम सारा काम करेंगे, ठीक। उसके अलावा हमने चला करके देख लिया कि नोड का सर्वर चल गया है, अब वो कैन नॉट गेट क्या है रूट, उस पर हम अभी बात करेंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा है, उसके अलावा हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करा है और यहाँ पे फोल्डर ओपन करा है। फोल्डर ओपन करने के बाद हमने app.js अपने हाथ से बनाया था, बाकी ये जितनी चीजें दिख रही इसमें से हमने कुछ नहीं बनाया, और हमने ये package.json फाइल देखा है जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है, ठीक। बाकी के अभी हम इसके आगे बात करें।